दोस्तों ये जो हब है ट्रैक्टर का ही हब है अगले चक्के का, तो इसका रेट 2000 तक भी आता है, तो इसको रिपेयर भी करवा लेते हैं। इसमें सीआई मशीनेबल राड जो है अपन यूज कर सकते हैं, पर वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रिजिंग कराने के बाद इसको अपन बना देते हैं, जिसका रेट मतलब आपको यहाँ पे ब्रिजिंग करके 350-400 लेता है, और बनाने का भी यहाँ पे 400 रुपये लगता है। तो दोनों सीट बनाएंगे अपन 400, मतलब 800 रुपये 1000 के अंदर अंदर यह हब जो है तैयार हो जाना है। इसका आइल सीट जो सीट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये भी थोड़ा सा ऊंचाई कम हो गया है। तो अभी फिलहाल तो ये काम चलेगा, अगर दिक्कत जैसे ज़्यादा होता है तो इसके ऊपर क्या करते हैं, जैसे ये आइसिल सीट इसका छोटा हो गया है, तो अपन यहाँ पे एक ठो गोल सरिये का एक ठो रिंग इसके ऊपर रख के बाहर से पीतल का वेल्डिंग करा देते हैं, और जो सरिया होता है उसका बोर जो रहता है इससे कम रहना चाहिए। तो उसके बाद से जब अपन आइसिल सीट बनाएंगे तो उसका बोर जो है सरिया भी बोर होगा, क्योंकि उसका बोर अपन कम रखे हैं, तो इसके साथ जो है पूरा पूरा ये आइसिल भी यहाँ पर बन सकता है। सरिया जैसे मान लीजिए रिंग बनवा ली, सरिया का इसके ऊपर रख के ये बाजू से पीतल वेल्डिंग करा दीजिए, इसका बोर जो है कम रहेगा। इसके बाद से अपन इसको जब बोर करेंगे तो वो रिंग कटेगा और इस सीट में पूरा यहाँ पे पूरा फिनिश बराबर दिखेगा। तो चलिए इसको बना देते हैं। फिलहाल इसमें इसका ऊंचाई ज़्यादा नहीं कटा, इसलिए अपन इस पर रॉड वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छे दोस्तों, कई बार यहाँ पे ये होता है इसको सीधा करने में बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाता है, तो आप यहाँ पे देखिए आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा कम मत पकड़िएगा, नहीं तो ये फेंका जाएगा, निकल जाएगा मशीन से और चोट लग जाएगा। इसलिए ज़रा सा पकड़िए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, ये अंदर वाली बैरिंग सीट को आपको मिलाना है, अपने को इससे मिलाना है, देखिए। और जब बाहर अपन इसको मिलाएंगे बाहर वाले, तो इसको मिलाएंगे अपन, यहाँ भी थ्रू करके देख सकते हैं, यहाँ पर भी हल्का थ्रू करके देख सकते हैं, और इसको ऊपर नीचे इसको ठोक के अपन मिलाएंगे। तो आप ये देखेंगे वीडियो में भी देखेंगे आप आगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ओडी और फेस के लिए आप इसको भी फेस मिला सकते हो, ये जो है ये भी फेस मिला सकते हो, और ओडी के लिए इसको भी मिला सकते हो। ये भी साइज में जो है कटे रहता है, क्योंकि यहीं पे जो है अपना डिक्स जो यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ता है, ये आउटर डाया बनता है ये। आपको यहाँ पे कुल मिला के करना ये है कि अपने को ये वाली बैरिंग और ये अंदर में जो बैरिंग है, ये अंदर वाली बैरिंग दोनों को बिल्कुल मतलब थ्रू करना है। आप फिलहाल तो मशीन चलाते हो तो आप समझ सकते हो आपको इसको किस तरीके से आपको थ्रू करना है। आप यहाँ से इसका ओडी मिला के ये फेस को भी मिला सकते हो, चाहे इसको मिला के ये फेस को मिला सकते हो, चाहे अंदर की बैरिंग से इसको मिला सकते हो। आप जैसे भी मिलाओ, पर एक बार जब पूरा थ्रू इसको कर लो तो अंदर की बैरिंग और इसको दोनों के ऊपर आप चेक कर लो क्या दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर उछाल दोनों में नहीं है, बराबर घूम रहा है, तो आप इसका मतलब ये आपका जो हब बिल्कुल सही बंधा है और आप इसमें बैरिंग सीट बना सकते हो। Yeah.